ऐसा कहा जाता है और अक्सर आप ऐसा सुनते भी आए होंगे कि सावधानी घटी और दुर्घटना घटी। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ज़्यादातर दुर्घटना की जड़ में सावधानी से ध्यान हटना है। इसीलिए किसी भी काम को करने से पहले सावधान जरूर हो जाएं और पूरी सावधानी के साथ उस काम को करें जिसकी शुरुआत आप पहले कर चुके हैं। अब अगर आपको उस काम को करने में मन नहीं लग रहा है तो उसे कुछ देर के लिए बंद करना ही बेहतर विकल्प होगा। अब अगर बात की जाए बिजली के झटकों के बारे में तो बिजली का झटका लगना भी आकस्मिक दुर्घटनाओं की परिधि में आता है। बिजली के झटकों का प्रभाव सामान्य से लेकर गंभीर तक हो सकता है। बिजली के झटके लगने पर व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसे सांस लेने में परेशानी हो सकती है और दिल की धड़कनों के बंद होने का एहसास हो सकता है। अब अगर किसी व्यक्ति को बिजली का झटका लग भी जाता है तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? तो आपको बता दें कि बिजली का झटका किसी व्यक्ति को लग जाता है तो तुरंत मुख्य मीटर को बंद कर दे और जिस व्यक्ति को झटका लगता है उसको किसी कंबल में ओढ़ा देना चाहिए। ऐसी दशा में सबसे पहले प्रभावित व्यक्ति की सांस लेने की क्रिया को स्वाभाविक बनाने का प्रयत्न करना चाहिए, जोर लगाना चाहिए। इसके लिए अपनाई जाने वाली विधि को उस वक्त तक करना चाहिए जब तक मनुष्य स्वाभाविक रूप से सांस लेने के काबिल ना हो जाए। इसके बाद व्यक्ति को गर्म चाय पिलाएं और डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए। अब सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि करंट लगने के बाद बिजली के झटकों से कैसे बचाव किया जाए। तो आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि सबसे पहले ये जरूरी है कि बिजली के उपकरणों, तारों, प्लगों की समय समय पर जांच करते रहें। कभी भी गीले हाथों से उपकरणों, तारों, प्लगों को ना छुएं। बिना जानकारी या अधूरी जानकारी के किसी भी उपकरण को ना ही खोलें या ना ही ठीक करने का प्रयास करें। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि बिजली के उपकरणों के इस्तेमाल के दौरान रबड़ की चप्पलों का इस्तेमाल करें। इस दौरान लकड़ी के पार्ट पर बैठे या खड़े होकर उपकरणों का इस्तेमाल करें। कभी भी सस्ते तारों का प्रयोग ना करें। ऐसे तारों का इस्तेमाल करें जिस पर रबड़ या लकड़ी की खोल हो। क्योरन हेल्डक से रिजवान खान की रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर तो हमें संपर्क करें।